वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के एक सवाल है कि प्रैक्टिकल एग्जाम चल रही है सर, पढ़ाई नहीं हो चुकी है और बहुत सारे दिक्कत हो रही है कि पढ़ाई करने में भी समय नहीं मिल रहा है, और जिन बच्चों के प्रैक्टिकल हो चुके हैं उनकी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या करें सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर को कम करना चाहते हैं। बच्चों एक बात बोलता हूँ, मैं फिलहाल में सभी के साथ होता होगा, ये आप ही नहीं है, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट इससे गुजर रहे होंगे। ओनली जिनकी बहुत परफेक्ट तैयारी है ऐसे 5% होगी, 5% भी मतलब बोलते ना, ना घर का ना घाट का, ऐसे बच्चे। तो सर कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा गाइडेंस करना बहुत जरूरी है। मुझे फोन आ रहे, मैसेज आ रहे, तो बता देता हूँ बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम का तो पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए, यार टेंशन मत लो, अब अपने भाई बहन कोई भी होगा, दोस्त होगा, दुश्मन होगा, जो होगा उनको पूछो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम कॉलेज वाले हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस साल पैंडेमिक की सिचुएशन कारण की एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं है। दूसरी बात सर, ऐसे टाइम पर स्टडी कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिकल जाना आना, 3 घंटे का प्रैक्टिकल, पहले जाना एक घंटा बाद में हो जाता है। तो बेटा मैं आप लोगों को ये स्टडी करने के लिए एक मुद्दा बताने वाला हूँ, शायद आप लोग करते भी होंगे या नहीं करते तो करना चालू करो। सबसे में आप लोगों को क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, पेजेस लेना, पेजेस के ऊपर ओनली सिंपल सिंपल स्टेटमेंट लिखो, डिफाइन लिखो, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, मैथमेटिकल के फॉर्मूलेज हो सकते हैं, बायोलॉजी के डायग्राम्स हो सकती है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स, रात में बैठ के शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए आपके पास। क्या शॉर्ट नोट्स निकाल रहे, अब बोलोगे सर आप दे दो, मैं क्यों दे दूं भाई, अरे करने ही है आपको तैयार, खुद करोगे तो ही फायदा होगा, दूसरे की किसी के मत इस्तेमाल करो, खुद की नोट्स खुद को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होती है। ध्यान रखना, लिखते समय भी हमारे ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर होता है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स तो बतानी है, पढ़े मतलब बनानी है, और उसको है ना बेटा साथ में रखो, जेब में रखो, 2-3 पेजेस है, समझो एक चैप्टर है, एक रोटेशनल डायनामिक्स है, उसमें से मैंने फार्मूले लिखे, या फार्मूले बनाओ, फार्मूले की नोट्स बनाओ, एक डिफाइन की बनाओ, एक आपको शॉर्टकट में डिफाइन कैसे याद रख सकते हैं, या शॉर्टकट में हम लोग कोई डेरिवेशन कैसे बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को इसके ऊपर भी वीडियोज बना के रखे हैं। तो ये चीज़ें इस टाइम पे मुझे लगता है जहाँ जहाँ समय मिले, चलो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल था 3 घंटे का, मेरे 2 घंटे में होगा, 1 घंटा बचा है तो वो निकाल के पढ़ लो यार, बस देखो कितना रिमेम्बर हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यार हाँ मुझे बहुत आता है, बस मुझे रिवीजन की जरूरत है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स खुद को बना के रात को बनाओ, दिन भर वही इस्तेमाल करो, जहाँ जाते हो, कहीं जाओ, कॉलेज में जाओ, बस में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर में आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो इस शॉर्ट नोट से बहुत बड़ा एक बूस्टअप मिलने के चांसेस होते बेटा। तो मैं दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को ये स्टडी करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका होने के चांसेस है। दूसरी बात बेटा मुझे बताओ, प्रेशर लेके क्या करने वाले हो, प्रेशर किसको नहीं आता है, सबको आता है, बस मैं तो ये बताता हूँ, हमेशा मेरा एक सेंटेंस रहा कि कारण देना बंद करो यार, रीजन मत दो, उसका सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन खाली आप लोग निकाल सकते हैं, आपके पास होता है सॉल्यूशन, बस आप लोगों को निकालना है, आपके लिए निकालना है, भूल गए कहीं ना कहीं आप लोग। तो मैं इसीलिए दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को विदाउट कोई, मैं क्या बोल रहा हूं, विदाउट कोई कारण ना देते हुए अगर आप बनाओगे तो श्योर शॉट आप लोग देखो सॉल्यूशन ढूंढो कि यार मैं कहां कहां टाइम बचा सकता हूं, कैसे टाइम बचा सकता हूं। देखो बेटा सबसे मेन कुछ मेरे पास एक थॉट भी है, मैं थॉट थोड़े से पढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने एक थॉट पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता रोड से गुजारना पड़ता है, समझे क्या, सफलता के लिए आपको पहले है ना, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखे किसी मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे हम। क्या बात है यार, बस हम लोग बदल देने वाले हैं, बस अंदर की कॉन्फिडेंस को जगा लो, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको जगाना बहुत जरूरी बेटा। कभी कभी बोलते हैं ना मराठी में कवात, या काकेत कळसण गाळा ओळसार, अरे भैया तुमच्या कडे डोका है, आपके पास दिमाग है, बस इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हम लोग। बहुत देखो बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, अच्छा इस्तेमाल करे तो बहुत बड़ा आदमी बनता है, उसी का गलत इस्तेमाल करे तो कंगाल भी होता है यार। तो वैसे ही है, हमारे पास दिमाग होके भी हम लोग भूल गए हैं कहीं ना कहीं कि मेरे पास दिमाग है, मैं कहाँ यूज करूँ, कैसे यूज करूँ, कैसे मैनेजमेंट करना है, एक पेपर ले लो, पेन ले लो, मैनेज करने का एक प्लान बना दो,
दुनिया की कोई ताकत आपको अभी भी 75-80 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बस खुद का डिसीजन खुद को लेना है और खुद को करना पड़ेगा। रात दिन मेहनत करो, इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस है वो एक ही है, और वो है आप खुद। और खुद ही ये प्लान बना के आप अपनी एनर्जी के साथ काम करो। अभी भी समय है, समय को सही उपयोग लेना सीख लो भैया। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी इस यहाँ पे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे फैमिली जो मेंबर्स जो स्टूडेंट है वो हमेशा हमेशा वीडियो देखते रहते हैं। कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी, वन शॉट देखा होगा या हमारा रिविजन लेक्चर देखा होगा। और 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अभी भी आपके अंदर एनर्जी है, एनर्जी के साथ काम करना सीख लो। बस यार शॉर्ट नोट्स निकालो, वो करना सीख लो। मैं गारंटी, अभी भी इतनी गारंटी सर आपको हमारे ऊपर है। हाँ बेटा, आपको मेरे ऊपर हो या ना हो, लेकिन मुझे आपके ऊपर है। और मुझे यकीन है कि अभी भी आप अपना प्लान प्रॉपरली सक्सेस कर सकते हो। बस आपको ये काम करना है। और दूसरे बच्चे, जो बच्चे चाहते हैं कि यार मुझे रिविजन नहीं हो पा रहा है, तो रिविजन नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं शाम को, रात को डेली 9 बजे नून पे लाइव सेशन ले रहा हूँ। इस सेशन में आप लोगों को बेटा पूरा की पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करके दे रहा हूँ 9 बजे रात के। मतलब आप अपना कॉलेज करो, खाना पीना सब करो, रात के 9 से 10 बजे यहाँ पे डेली फिजिक्स रिविजन, प्लस वो MHT CET के लिए ब्रिज कोर्स भी है। ध्यान रखिए, ब्रिज कोर्स भी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे एवरीडे 9 PM ऑनवर्ड होता है ये क्लास, और ये 18 तारीख से चालू होगा। कुछ चैप्टर हो गए, एक दिन में एक चैप्टर कवर करके देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें कि ये करो वो करो, ये सभी चीज़ें आपके लिए यार, तो आपको तो आना पड़ेगा। इसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो चलो यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।